हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि इसमें विश होता है, कर्ष होता है, अर्थात हम इसमें कामना करते हैं और किसी को हम अभिशाप देते हैं, ठीक है। तो इसमें विश का, कर्ष का भाव होता है और हिंदी में इसको हम लोग कहते भी हैं कामना सूचक वाक्य। ध्यान रखना है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कामना सूचक वाक्य। और इसकी खासियत क्या होती है इंग्लिश के हिसाब से कि आमतौर पर कामना सूचक वाक्य में प्रारंभ में मे का प्रयोग होता है। यह सामान्य इसका वाक्य बनाने का तरीका है। अब ध्यान देना है कि कुछ सेंटेंसेस हम ले रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तन किया जाता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हम ले रहे हैं कि द सेंट सेट, संत ने कहा, द सेंट सेट, मे गॉड सेव दिस चाइल्ड, ईश्वर इस बच्चे को बचाएं। धन्यवाद। इस कामना सूचक वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, फुल स्टॉप नहीं होता है। और यह हुआ कि कंप्लीट वाक्य हमने बनाया तो मे का प्रयोग किया, लेकिन बोलचाल व्यवहार में अक्सर क्या होता है कि मे को लोग छिपा देते हैं या कहीं कि मे का प्रयोग करते ही नहीं है। और इसी को हम दूसरा स्ट्रक्चर इसका हमले मे को हटा के तो सेंटेंस बोलचाल व्यवहार में अक्सर लोग कहते हैं कि गॉड सेव दिस चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, है ना, इस तरह का अक्सर वाक्य सुनते हैं। तो एक्चुअली जब आप कहते हैं कि गॉड सेव दिस चाइल्ड, यहां छिपा हुआ मे है और मे गॉड सेव दिस चाइल्ड, इसका कंप्लीट सेंस होता है। तो इस वाक्य में हम ध्यान दें तो गॉड का रेफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंट ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस, और इसको हम यदि इस ढंग से हम लेकर आगे बढ़ जाएं कि द सेंट सेट गॉड सेव दिस चाइल्ड, तो ये आपका सेकेंड वाक्य बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का इनडायरेक्ट नरेशन एक ही बनेगा। फिर तीसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं जिसमें हम कहें कि शी सेट मे माई इनिमीज डाई सुन, मेरे दुश्मन शीघ्र मरे। अब इस वाक्य में हम समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या है, कर्ष है, अर्थात कर्ष क्या होता है, अभिशाप, है ना। अब इसमें ये वाक्य है, फोर्थ सेंटेंस हम ले रहे हैं जिसमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको पैटर्न एक डिफरेंट तरह का दिखाई पड़ता है। जैसे हम कहें कि ही सेट लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, दीर्घायु हो हमारी प्रजातंत्र, दीर्घायु हो हमारी प्रजातंत्र। अब ध्यान देना है इसमें फिर क्या है, इसमें भी कामना है, लेकिन स्थिति क्या हो रही है कि यह सेंटेंस की बनावट आपको बड़ी विचित्र नजर आएगी। सबसे पहले लॉन्ग जो है यह एक एडवर्ब है, लिव यहां पे वर्ब है और आवर डेमोक्रेसी यहां सब्जेक्ट है। तो हम नोटिस करें तो इनवर्सन में हम आपको बताए हुए हैं कि कुछ ऐसे वाक्य भी बनते हैं जिनमें सब्जेक्ट के पहले वर्ब निकल जाता है लेकिन यह प्रश्न नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में भी नोटिस करें तो कैसा स्टेटमेंट है, इसमें कामना है, है ना। तो यदि इस वाक्य को आप पुनः तरीके से समझने की कोशिश करें तो लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, जैसे इसमें हमने मैं हटा के सीधे कह दिया गॉड सेव दिस चाइल्ड, तो यहां जोर डालने के लिए लॉन्ग को अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले रखा गया है,
तब वर्ग को रखा गया, तब सब्जेक्ट को रखा गया, जबकि नॉर्मल वर्ग ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि पहले सब्जेक्ट होता तब वर्ग होता तब एडवर्ब होता। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम रीअरेंज करके समझ लें कि जब हम कहते हैं कि लॉ लिफ्ट आवर डेमोक्रेसी तो इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या होता है। इसका इंप्लाइड मीनिंग यह होता है कि मे आवर डेमोक्रेसी लिफ्ट लॉ, तो इसका इंप्लाइड मीनिंग यह होता है कि हमारी प्रजातंत्र दीर्घायु हो, मे आवर डेमोक्रेसी लिफ्ट लॉ। तो अब हम ध्यान दें तो फिर हम इसी बनावट में लौट गए कि मे हमारा हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और लास्ट में एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉर्मल बनावट वाक्य की होती है उस बनावट में हम लौट चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये चार सेंटेंसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। इनमें जो आमतौर पर विशेष होते हैं उनको हमने समझ लिया है। ठीक है, तो रूल्स, सबसे पहले रूल्स के लिए थोड़ी जगह हम बना रहे हैं, देखिएगा इनमें रूल्स क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ध्यान रखिएगा, जो स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं वो ये कि जो से का प्रयोग है इसको हम लोग आवश्यकता अनुसार, यदि गॉड का रेफरेंस है तो हर हाल में प्रे का प्रयोग कर लेते हैं, यदि गॉड का रेफरेंस नहीं है तो वहां प्रे का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, विश का प्रयोग भी कर सकते हैं, और जहां अभिशाप का भाव है वहां हम लोग इसको कर्स में बदल देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो से के बदले प्रे विश कर्स का हम लोग करते हैं। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रे विश कर्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनके बाद आपको दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट यह हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा कि फिर हम ध्यान दें तो जैसे हमने कहा कि मे गॉड मे माय इमेज, अब यहां वर्ड ऑर्डर जो है ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, इसको हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। तो जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था कि इनडायरेक्ट रिलेशन में हमेशा स्टेटमेंट हुआ करता है, ध्यान रखना है। जो रिपोर्टर है अपनी भाषा में यदि वह तथ्य को व्यक्त करता है तो वह हमेशा स्टेटमेंट देता है। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदलता है, अर्थात इस ऑर्डर में हम लोग उसको ले आते हैं, चेंज कर देते हैं इसको। और फिर ध्यान रखिएगा कि यदि मे छिपा हुआ है तो जैसा कि हमने कहा कि मे यदि छिपा हुआ है तो इस मे को हम लोग क्लियर कर देते हैं, अर्थात इसको हम लोग स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ध्यान रखना है कि जो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसको हटाकर वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखना है कि जनरल रूल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इतनी चीजों को यदि आप ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट रिलेशन पर काम करें तो निश्चित रूप से आपके इनडायरेक्ट रिलेशन बनेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को हम अटेम्प्ट ले रहे हैं, ध्यान रखना है। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को यदि हम अटेम्प्ट ले रहे हैं तो जैसा कि हमने कहा कि इसमें मे छिपा हुआ है तो मे क्लियर हो या छिपा हुआ हो, अब इन दोनों वाक्यों में हम ध्यान दें तो भाव एक ही है कि सेट ने ये ईश्वर से प्रार्थना की कि वो इस बच्चे को बचाएं, गॉड से दिचाए या मे गॉड से दिचाए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन में यदि आप लेकर चलना चाहते हैं तो ये द सेंट सेट जो है ये बन जाएगा द सेंट प्रेड, ईश्वर ने संत ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की कि दैट, और ये गॉड और मे जो है हमने कहा कि एसर्टिव ऑर्डर में ले जाएगा तो मे गॉड, ये क्या बन जाएगा गॉड मे, लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस पे है तो मे के बदले यहां क्या हो जाएगा माइट, गॉड माइट, और सेफ, और दिस क्या बन जाएगा दैट। अर्थात अब इनडायरेक्ट रिलेशन में हमारा पहला और दूसरा दोनों वाक्यों का यही इनडायरेक्ट रिलेशन बनेगा कि संत ने प्रार्थना की ईश्वर उस बच्चे को बचाएं, ये हम लोग हिंदी लेते हैं। ठीक है, तुम्हें वहां माइट बन चुका है। अब हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो थर्ड सेंटेंस में क्या है, थर्ड सेंटेंस में आपका कर्स है,
सी कहीं कहीं से ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, किस चीज के लिए, कि मेरे दुश्मन सिख मरे, अर्थात वो कर्ज कर रही है। तो इस सेट को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस सेट को हम लोग कह देंगे कि सी कर्स्ड, उसने अभिशाप दिया। क्या अभिशाप दिया? दैट मार क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, इमेज और वर्ड ऑर्डर चेंज करेगा, ये में यहां माइट बन जाएगा, दैट हर इमेज माइट डाई सून। तो डायरेक्ट प्रेडिक्शन है कि उसने कहा मेरे दुश्मन सिख मरे, इनडायरेक्ट प्रेडिक्शन बन गया कि उसने अभिशाप दिया कि उसके दुश्मन सिख मरे, है ना, ये हिंदी बन जाएगी। थर्ड सेंटेंस हम लेकर चले कि ही सेड लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, तो इसमें हमने कहा कि ये नोटिस करें तो इंप्लाइड इसका सेंस है कि मे आवर डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग। इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा उसके बाद में वर्ब आएगा तब एडवर्ब आएगा, और मे को आप क्लियर कर दीजिए तो सेंटेंस ये फिर क्या बन जाएगा, फोर्थ सेंटेंस यदि इसको हम लें तो ये थर्ड सेंटेंस था, फर्स्ट और सेकंड में दोनों एक ही हमारा रिजल्ट दे दिया। फोर्थ सेंटेंस में हम चल रहे हैं, अब इसमें आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, ही प्रेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं और ही विस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, अर्थात उसने प्रार्थना की या उसने कामना की, दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ही प्रेयर या विस्ट क्या, दैट, और यहां आवर को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे यहां कहता है कि आवर डेमोक्रेसी, इसका मतलब हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो बोलने वाला, रिपोर्ट करने वाला और सुनने वाला, तीनों का वो डेमोक्रेसी ना रखना, इसलिए आवर को चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो यहां आवर जो का त्यों रह गया और ये डेमोक्रेसी शब्द हमने इस्तेमाल कर दिया कि आवर डेमोक्रेसी और माइट लिव लॉ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तरह के खास करके वाक में जहां प्रयोग हो रहा है कि लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव आवर पीएम, ऐसा कोई प्रयोग यदि होता है तो यहां कुछ लोग माइट के बदले शुड का प्रयोग भी करते हैं। तो ये केवल हम आपको जानकारी के रूप में दे रहे हैं कैसे बेहतर प्रयोग माइट ही होना चाहिए क्योंकि यहां अंडरस्टूड है मे, ठीक है, लेकिन शुड का प्रयोग भी होता है। कुछ ग्रामेरियंस इसको भी रिकमेंड करते हैं तो हम आपको बता दें कि शुड का प्रयोग भी आप करें, इसलिए एग्जामिनेशन के पेपर में माइट है तभी करेक्ट है, शुड है तभी करेक्ट है, इस परिस्थिति में खास करके आप उसको मानेंगे, अन्य परिस्थितियों में हम लोग माइट को ही प्रेफर करेंगे, माइट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये मूल चार पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के संदर्भ में समझने थे जो वाक्य के रूप में हमको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका इनडायरेक्ट कंडीशन बनाइए। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि विश या कर्स के रूप में भी हम लोग पूरा वाक्य नहीं बनाते हैं, आवश्यकता अनुसार एक शब्द में भी हम लोग किसी को विश कर देते हैं और एक से अधिक शब्दों की भी आवश्यकता पड़ती है, जहां उस ढंग के शब्द या शब्द समूहों का प्रयोग होता ही है, हर हाल में होना ही है उसको, तो वैसा भी हो सकता है। जैसे चलिए हम कुछ एग्जांपल्स इसका भी ले रहे हैं। अब ध्यान देना है कि जैसे ही सेड टू मी, ये फिफ्थ सेंटेंस हम ले रहे हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब इसमें कहीं दिखाई हमको नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कुछ एक दो एग्जांपल्स इस ढंग का भी आप जानिए, आपको बता देते हैं। जैसे हम कहें कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, हैप्पी न्यू ईयर, अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा कि इस सेंटेंस का इंप्लाइड सेंस क्या है, या यदि यह दिया जाता है तो इनडायरेक्ट कंडीशन का बनेगा क्या, ठीक है। तो जब कोई भी व्यक्ति हमको कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर, इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या होता है, इसका इंप्लाइड मीनिंग होता है आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, ये इसका इंप्लाइड मीनिंग होता है, आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, है ना, अर्थात मैं आपके नए वर्ष की मंगल कामना करता हूं, नए वर्ष आपका मंगल मैं हो ये मैं कामना करता हूं, इसका इंप्लाइड सेंस होता है। लेकिन आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर न कहकर हम लोग सीधे कह देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह से ध्यान देना है कि यदि हम कह देते हैं कि हैप्पी बर्थडे, आप ध्यान दीजिए ये सब प्रयोग आप कभी लाइफ में खूब करते हैं, ठीक है, लेकिन आप कभी नोटिस नहीं किए होंगे इसका इंप्लाइड सेंस होता क्या है, ठीक है। तो इस तरह की यदि वाक्य आपको दिए जाते हैं तो हमने कहा कि इसमें इंप्लाइड इतना आपका छिपा हुआ है, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू हैप्पी बर्थडे, आई विश यू हैप्पी दिवाली, है ना, ये इंप्लाइड है इसमें। तो
सीधे हम लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, है ना, आदि आदि आदि। तो इस तरह के वाक्यों में जैसा कि आपने समझ लिया कि मूल इसमें बेस क्या है, विश कामना है, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको इनडायरेक्ट में यदि बदलते हैं तो हमेशा सेंटेंस का भाव आपको समझना है, है ना। इसमें इंप्लाइड कंप्लीट सेंस सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। और इसको यदि हम इनडायरेक्ट में ढालना चाहें तो सेड टू को हम सीधे कर देंगे ही विश्ड मी, और इस हैप्पी न्यू ईयर के पहले ए लगाना पड़ेगा क्योंकि यह एक सिमिलर काउंटेबल नाउन का काम करता है। हर साल एक हैप्पी न्यू ईयर आता है, ध्यान रखना है, हर साल एक नया साल होता है, ठीक है। तो हर साल आप किसको कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे कि ही विश्ड मी अ हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी अ हैप्पी न्यू ईयर, अर्थात उसे मुझे नए वर्ष की मंगल कामना की, है ना। ही विश्ड मी अ हैप्पी न्यू ईयर। तो यदि सीधे इस तरह का वाक्य है तो इसका भी आप इनडायरेक्ट मेंशन बना सकते हैं। चलिए इसी तरह से एक आध और सेंटेंस हम बता देते हैं जो थोड़ा सा सामान्य नियम से हट के काम करेगा, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वाक्य बहुत तरीके से इनडायरेक्ट मेंशन में रखा जा सकता है। केवल मूल स्ट्रक्चर लर्नर्स को बताया जाता है कि भाई इस ढंग से आप चलें, लेकिन जो लैंग्वेज का सेंस आपको डेवलप कर जाता है तो एक ही बात को आप कई तरीके से कह सकते हैं। अगर जैसे जस्ट एक आप उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे द डाइंग सोल्जर सेट ओ अ ग्लास ऑफ वाटर, ध्यान दीजिए अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इस वाक्य को हम समझने की कोशिश करें तो कुछ लोग इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट में भी डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसमें विश है, हम ध्यान दें तो द डाइंग सोल्जर सेट ओ अ ग्लास ऑफ वाटर, मरता हुआ सोल्जर क्या है कि उसको बहुत जबरदस्त प्यास लगी है ना, और पानी का कोई दूर दूर तक उसका गुंजाइश या मिलने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है। कि मात्र उसका एक स्ट्रॉन्ग विश है जो फुलफिल तत्काल होने वाला नहीं है, या हो सकता है कि कोई उपलब्ध करा भी दे, ठीक है, लेकिन इसकी जबरदस्त विश है, कामना है, किस चीज के लिए, एक ग्लास पानी के लिए। तो यदि हम नोटिस करें तो ये कामना जो है एक्चुअली ये क्या है, ये कामना इसका स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है। तो अब इसको यदि कहा जाए कि नहीं इसका इनडायरेक्ट मेंशन बनाइए तो जैसा कि हमने कहा कि कुछ लोग इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट में भी डाल देते हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस विश का ही है, ठीक है। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा कि द डाइंग सोल्जर ईगरली विश्ड, प्रबल रूप से उसने कामना की, किस चीज के लिए, फॉर, ध्यान रखिए सब सेंस के आधार पर चलेगा, यहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि हम लोग समझाने के ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। विश फॉर होता है, हमने फॉर कर दिया, ठीक है, कोई दैट में माइट का प्रयोग इसमें नहीं है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट यहां हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो विश फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन इसमें यदि हम कंप्लीट सेंटेंस उसको समझने की कोशिश करें तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है, द डाइंग सोल्जर सेट ओ अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें इंप्लाइड है कि आई ईगरली विश फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो द डाइंग सोल्जर सेट ओ अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका कंप्लीट सेंस है कि द डाइंग सोल्जर ईगरली विश फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, बहुत प्रबल चार, बहुत प्रबल कामना, बहुत प्रबल इच्छा एक ग्लास ऑफ वाटर की मरता हुआ सोल्जर ने की, ये इसका इंप्लाइड मीनिंग है, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशंस भी हमने आपको बताया कि इस ढंग से कुछ वेरिएशन आपको मिल सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए फिलहाल सफिशियंट इंफॉर्मेशन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है, जिनको आप यदि सही ढंग से तैयार कर लें और इन पर काम करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा, खासकर परीक्षाओं में प्रॉब्लम्स बनाना हो, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हो, मेरी आपको मदद मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव अंग्रेजी में जहां डू एज डायरेक्टेड करके देता है,
की सेंटेंस दे देता है और बगल में दे देगा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, है ना, तो आप चेंज भी कर लेंगे, ठीक है। प्लस इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम यहां समाप्त कर रहे हैं और अगले क्लास में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन की चर्चा शुरू करेंगे और अंत में फिर इतना ही कहेंगे कि यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी लिखें। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत थैंक्स।